हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाजिया कनेक्ट्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ कॉफी कस्टर्ड ट्राइफल। ये एक बहुत ही लाइट एंड रिफ्रेशिंग डेजर्ट है जिसमें केक है, कस्टर्ड है, कोल्ड कॉफी है, क्रीम है और है चॉकलेट। तो अगर आप समर्स में मिस कर रहे हैं कॉफी का मजा तो ये डेजर्ट आइडियल है। आप इसे डालगोना स्टाइल कोल्ड कॉफी केक एंड क्रीम भी कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले बना लेते हैं कस्टर्ड। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और इसमें ऐड करूंगी मिल्क 400 ml। आप किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड बना सकते हैं, मैं यहाँ पे आज वनीला कस्टर्ड बना रही हूँ। इस मिल्क को अब हम बॉईल करेंगे। बॉईल करने से पहले आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर डाल दें। तो मैं यहाँ पे 3 से 4 tablespoons शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे कस्टर्ड में कितना शुगर जाएगा और कितना कस्टर्ड पाउडर जाएगा ये कस्टर्ड के डब्बे के पीछे लिखा होता है। आप जिस भी ब्रांड का कस्टर्ड इस्तेमाल करें उसके पीछे के इंस्ट्रक्शंस देख लें और उसी हिसाब से कस्टर्ड बना सकते हैं। तो अब हम इस मिल्क को बॉईल कर लेंगे। तो ये बॉईल हो रहा है और दूसरी तरफ मैंने 100 ml दूध में मिक्स किया है 3 tablespoons कस्टर्ड पाउडर और इसे अच्छे से चला के मिक्स कर लिया है। तो बेसिकली मैं 1/2 liter दूध का कस्टर्ड बना रही हूँ। 400 ml को मैंने बॉयल किया और 100 ml में कस्टर्ड पाउडर मिक्स किया है। तो ये अब अच्छे से बॉयल हो चुका है। इसमें ऐड कर देंगे हम ये जो कस्टर्ड मिक्स करके रखा हुआ है हमने दूध के साथ। तो एक तरफ से इसमें डालेंगे कस्टर्ड मिक्स और दूसरी तरफ से इसे चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। इसे इसी तरह से कंटिन्यूसली चलाते हुए सारा कस्टर्ड मिक्स इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद बस हम 2 से 3 minutes कस्टर्ड को पकाएंगे और कस्टर्ड अच्छे से थिक हो जाएगा। तो ये हमारा कस्टर्ड तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। अब आ जाते हैं इस डेजर्ट की असेंबलिंग की तरफ। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक ग्लास डिश। इससे ये होगा कि सारी चीज़ें अच्छे से दिखेंगी और इसमें ऐड करेंगे हम केक। तो केक मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ होममेड कॉफ़ी केक। आप इसकी जगह पे कोई भी फ्लेवर का केक इस्तेमाल कर सकते हैं और रेडीमेड स्टोर बॉट केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो केक को अब हम इस तरह से पीसेस में करके एक लेयर लगाएंगे। अगर आपको इस कॉफ़ी केक की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इस डिश में सबसे अच्छे से जाता है चॉकलेट केक, कॉफ़ी केक और मार्बल केक। मगर ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास अगर ये 3 केक अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल वनीला केक या टी केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप केक नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह टी रस्क भी डाल सकते हैं। जो रस्क बिस्किट आते हैं वो भी आप इस लेयर में डाल सकते हैं। ये केक की लेयर हमने अच्छे से सेट कर दी। अब हम इसे सोक करेंगे रिच कोल्ड कॉफ़ी में। तो इसके लिए मैंने 1/3 cup मिल्क लिया है। मिल्क आप ल्यूक वार्म लें और इसमें 3 teaspoons ऐड कर रही हूँ कॉफ़ी पाउडर। जो नॉर्मल कॉफ़ी का पाउडर आता है इंस्टेंट कॉफ़ी का, वही इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे अराउंड 2 teaspoons कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क की जगह आप शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये होता है कि कंडेंस्ड मिल्क से ये जो कोल्ड कॉफ़ी का मिक्स बनता है ये ज़्यादा अच्छा बनता है। और ये कंडेंस्ड मिल्क काफ़ी थिक है बट हमारा दूध ल्यूक वार्म है तो इससे आसानी से ये मिक्स हो जाएगा। ल्यूक वार्म से कंडेंस मिल्क भी इजिली मिक्स होगा और कॉफ़ी भी इंस्टेंटली मिक्स हो जाएगी। तो अब इसमें सारी चीज़ें जा चुकी है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये बेसिकली हमारी एक रिच सी कंसनट्रेटेड कोल्ड कॉफ़ी है और ये जब हम केक पे पोर करेंगे तो वो बहुत अच्छे से इसको अब्जॉर्ब कर लेगा और डेजर्ट बहुत टेस्टी बनेगा। और अगर आपको सुपर क्रीमी और चॉकलेटी कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी देखनी है तो लिंक ऊपर आई कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो अब इसे केक पे पोर करेंगे। उससे पहले मैंने एक टूथपिक से इस तरह से केक को पोक कर दिया है ताकि जो हम कोल्ड कॉफ़ी ऐड करें इसमें तो वो एकदम अच्छे से अब्सॉर्ब कर जाए। तो बस अब सारा कॉफ़ी मिक्स हम इस पर पोर कर देंगे। केक काफ़ी स्पॉन्जी होता है, इससे वो आसानी से सारा कॉफ़ी अब्सॉर्ब कर लेता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। और इस तरह से मैं फोर्क की मदद से इसे प्रेस भी करती जा रही हूँ ताकि सारा जो कॉफ़ी मिक्स है वो अच्छे से अंदर तक चला जाए। तो ये केक अच्छे से सोक कर चुका है कॉफ़ी के साथ। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे कस्टर्ड जो अभी हमने तैयार किया है। आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड अब ठंडा होने के बाद और थिक हो गया है। तो कस्टर्ड की यही टेंडेंसी होती है, जैसे जैसे वो ठंडा होता है वैसे वैसे थिक होता जाता है। यहाँ पे आपको ख़ास ध्यान रखना है कि कस्टर्ड गर्म नहीं होना चाहिए। तो मैंने इन दोनों प्रोसेस के बीच में अराउंड 2 घंटे का टाइम दिया था। 2 घंटे में कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पर आ गया था और उसके बाद ही मैंने उसे इस तरह से लेयर किया है। कस्टर्ड अच्छे से लेयर करने के बाद हम इसे फ्रिज में रखेंगे 10 मिनट के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और हम चलते हैं थर्ड लेयर की तरफ। इस डेजर्ट की जो थर्ड लेयर है वो क्रीम की है, तो इसके लिए हम व्हिप कर लेंगे क्रीम।
तो मैंने यहाँ पे एक पैन को पहले फ्रीजर में रख दिया था ताकि पैन अच्छे से ठंडा हो जाए। जब भी आप क्रीम व्हिप करें तो ठंडे पैन में करें, इसके लिए आप पैन को फ्रीजर में रख दें, वो बेस्ट काम करता है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ कप हैवी व्हिपिंग क्रीम। हैवी व्हिपिंग क्रीम ले लें या डबल क्रीम ले लें या फिर सिंपल होममेड मलाई भी ले सकते हैं आप। इसे कर लेंगे हम व्हिप ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। इसे मैं 30 सेकंड्स के लिए मीडियम स्पीड पे बीट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे हाथ से विस्कर की मदद से भी विस्क कर सकते हैं। हल्का बीट करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 teaspoon कंडेंस्ड मिल्क। हमें इसे ज्यादा मीठा नहीं करना है, ये लेयर कम मीठी ही अच्छी लगेगी। जब भी मैं कंडेंस मिल्क ऐड करती हूँ, अगर आप उसकी जगह सब्स्टिट्यूट में शुगर डाल रहे हैं तो आप 1 teaspoon कंडेंस मिल्क की जगह 2 teaspoon शुगर का इस्तेमाल कर लें। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप डेफिनेटली अपने प्रेफरेंस के हिसाब से शुगर या कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। कंडेंस मिल्क को भी हम बीट कर लेंगे इसके साथ। अब इसमें ऐड करेंगे 2 teaspoon कॉफ़ी पाउडर 3 से 4 teaspoon दूध के साथ मिक्स करके। कॉफ़ी पाउडर आप हमेशा किसी चीज़ में मिक्स करें तो दूध बेस्ट होगा, क्योंकि हम क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूध से वो और रिच होगा। कॉफ़ी की वजह से क्रीम का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और इसका कलर भी हल्का चेंज हो जाएगा। तो ये देखें, क्रीम बीट हो चुकी है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो ये इस तरह की होनी चाहिए कि बहुत थिक भी ना हो और बहुत थिन भी ना हो। तो हमें बिल्कुल भी आइसिंग वाली कंसिस्टेंसी नहीं रखनी है, ये इस तरह की पोरिंग कंसिस्टेंसी रखेंगे। इसके बाद इस क्रीम को हम डाल देंगे कस्टर्ड के ऊपर। तो ये हो गई हमारी थर्ड लेयर। अभी आपको ये क्रीम जितनी लिक्विड दिख रही है, थोड़ी देर आप इसे ठंडा करेंगे, उसके बाद ये क्रीम जो अच्छे से सेट हो जाएगी और बिल्कुल आइसक्रीम की तरह इसका टेक्स्चर हो जाएगा। बहुत ही लाइट और बहुत ही टेस्टी डेजर्ट बन के ये तैयार होता है, केक, कस्टर्ड, क्रीम। और बस इसे हम ठंडा करेंगे तो ठंडी ठंडी कॉफ़ी का मज़ा बहुत ही ज़बरदस्त होता है। क्रीम डालने के बाद हम वापस इसे फ्रिज में रखेंगे 10 मिनट के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद हम इसे गार्निश करेंगे। तो चलिए अब इसे गार्निश करते हैं। तो गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पे जो सेमी स्वीट चॉकलेट चिप्स आते हैं बेकिंग के लिए, उसे मैंने 20 से 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लिया था और इसे इस तरह का लिक्विड कर लिया। और अब बस ऊपर रैंडमली इसके पोर कर रही हूँ। अगर आपके पास चॉकलेट चिप नहीं है या फिर चॉकलेट से नहीं करना चाहते तो आप इसके ऊपर सिंपल पाउडर्ड कॉफ़ी को भी डस्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। इन स्प्रिल्स को और रैंडम डिज़ाइन देने के लिए एक टूथपिक की मदद से मैं बस इसे स्प्रेड कर दे रही हूँ। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा डेजर्ट तैयार है। आप इसे सर्व करने से पहले 2 घंटे के लिए फ्रिज में चिल कर लें, उससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारे डेजर्ट का फाइनल लुक। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।